नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसानी और बागवानी पर। किसान भाइयों, आज एक पॉपुलर की और दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। कुछ भाइयों ने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे कि भाई खाद और पानी, जो न्यूट्रिएंट्स दवाइयां पॉपुलर के पौधे में हम लगाते हैं, कैसे कैसे, मतलब कब कब वह लगाए जाते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो उसी चीज़ों को, सब चीज़ों को लेकर मैं आज जो है एक प्रॉपर वीडियो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही लेकर आया हूँ। ये जो नर्सरी आप देख रहे हैं, ये 4 साल की नर्सरी है। ये नर्सरी बिल्कुल तैयार है फिलहाल। इस नर्सरी के बारे में भी आज आपको मैं जानकारी दूंगा। लगभग ये जो है 20 बीघे का खेत है और 20 बीघे की नर्सरी है, 4 साल में तैयार खड़ी है बिल्कुल। ना कोई कटाई है, ना छटाई है इसकी बिल्कुल। 3 साल इसमें जो है अच्छा गन्ना लिया गया है इस किसान भाई ने, और 4th साल देखो आप गेहूं भी इसमें कितनी अच्छी गेहूं खड़ी है। बम्पर पैदावार है गेहूं की भी, और साथ के साथ में जो है पॉपुलर की भी बम्पर पैदावार है। अब मैं बात करता हूं अभी हाल फिलहाल में लगाए है पॉपुलर की नर्सरी के। तो ये जिस किसान भाई ने पॉपुलर लगाया है, बड़ी ही समझदारी से लगाया है। ये G48 वैरायटी है, यानी पॉपुलर की G48 वैरायटी है। विमको की, विमको का एक चीन होता है, उसके ऊपर नीली नीली जो है एक निशान लगा होता है नीला उसके पेड़ के ऊपर। तो ये जो है इसका एक पहचान है विमको की। अब पेड़ लगाने में इस भाई ने कितनी सावधानी बरती है देखिए, और मतलब इसने मतलब कितने तरीके से पेड़ लगाया है। पहले गड्ढा किया है, और जो नहरों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जो राजवायों में मिट्टी आती है जिसे हम पांग बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट मिट्टी, उस मिट्टी को उठा करके लाए हैं वो। इन्होंने पेड़ लगाया, और वो जो मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी है, खेत की मिट्टी में इसे नहीं लगाया, इसे जो है प्रॉपर इन्होंने पांग में ही, पांग इसके चारों तरफ भर दी, जो मतलब नदी की मिट्टी है, गंगा की मिट्टी है, जो सिल्ट है वो इसके भर दी। तो इससे ही वो अच्छी, इससे अच्छी जड़ की ग्रोथ चलेगी इसकी, यानी जड़ बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेगा ये। और ये अपने आप में एक न्यूट्रिएंट्स भी है पौधे को, मतलब ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए, यानी जो है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है पौधा पांग में। अब दूसरी चीज़ आ जाइए, दूसरी चीज पर आ जाइए आप। जब तक हमारा पौधा जो है फुटाव ना कर ले, उसके अंदर पत्ती ना चल जाए, तब तक हमें कोई भी किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स दवाई उसके अंदर नहीं लगाना है। ये चीज किसान भाई याद रख ले, यानी जब तक हमारा पौधा जड़ ना पकड़ ले, पत्तियां ना उसके अंदर फूट जाए, तब तक हमें उसमें कोई भी किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं लगाना है। अब तीसरी बात आती है कि 6 महीने तक नहीं लगाना, 6 महीने तक कोई भी किसी प्रकार का हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं लगाना। हाँ, इतना है उसमें आप जो है कंपोस्ट, जो गोबर की सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो लगा सकते हैं आप, क्योंकि वो किसी प्रकार का जो है केमिकल नहीं है। केमिकल हो सकता है कि उसकी जड़ को जो है प्रभावित कर दे, और करता भी है प्रभावित शुरुआती दिनों में। इतना अच्छा मतलब जो है ग्रोथ नहीं होती जड़ों की। तो जब जड़ें अच्छी प्रकार से जड़ बैठ जाए, तब 6 महीने के बाद हमें लगाना क्या है उसके अंदर, उसमें हमें ह्यूमिक एसिड लगाना है, थोड़ा जुबरेलिक एसिड भी ले लेंगे उसके अंदर, 50 ग्राम उसमें डाई ले लेंगे। जैसे कि मान लिया हमारी 1 एकड़ की ये नर्सरी है, सपोज करो, तो 1 एकड़ की नर्सरी में लगभग हम जो है उसमें 50 किलो DAP ले लेंगे, और उसमें जो है 1 लीटर ह्यूमिक एसिड, 1 लीटर जिब्रेलिक एसिड, और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स करके इसके अंदर एक फंगीसाइड मिला लेंगे, कार्बनेजिम मैन को जेब या टूगा कोना जोल, जो जोल फंजीसाइड होते हैं, उन्हें भी इसमें मिला लेंगे अच्छी प्रकार से, और हर पौधे की जड़ों में 50-50 ग्राम हर दो महीने पश्चात इसमें 50 ग्राम की मात्रा में ये DAP और आपका जो मतलब ये मिश्रण हमने बताया है आपको, जिसमें कार्बनेजिम मैन को जेब भी है, ह्यूमिक एसिड है, आपका जिब्रेलिक एसिड है, जो जिब्रेलिक एसिड है
वो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। ग्रोथ प्रमोटर का काम तो वो करेगा, लेकिन ग्रोथ भी वो तभी करेगा जब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि वो तो एक तरह से क्या करता है, वो प्रमोटर का काम करता है, तत्व नीचे से खींच के पौधे की जड़ों पर लगावेगा और पौधा ग्रोथ करेगा। तो हमें उसके साथ साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं, जैसे DAP देनी है, और आप जो है उसमें कोई जैसे कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, या कंपोस्ट जो गोबर की सड़ी खाद है, सुपर भी है, ये चीज़ भी हम ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आज ही हमारी जो है 6 महीने के पश्चात जो हम कार्य करते हैं अपने पॉपुलर में न्यूट्रिएंट्स का देने का, इसके साथ साथ में पौधे की निराई गुड़ाई भी हमें करते रहना चाहिए। और ये जो पॉपुलर आप देख रहे हैं, इसे 12 सिंगा सींग से रगड़ के ख़त्म बना देता है, बिल्कुल इसकी त्वचा को बिल्कुल ख़त्म बना देता है। उसे बचाने के लिए इसे एक तो हम जो है इसकी चूने से जो कली से इसकी कुताई कर देंगे अच्छी प्रकार से, इतनी हाइट तक यानी 4-5 फुट तक, मतलब 4 फुट तक इसकी जो है लिपाई कर देंगे चूने से। और अगर चूने से भी काम ना चले तो इसके ऊपर पुआल बांध देंगे, पुआल से भी इसकी सुरक्षा होती है। फिर पूरे 1 साल तक आपको इसमें इसे 12 सिंगे से बचाने की कोई दूसरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें होगी। अब मैं जो तैयार नर्सरी है उसमें लेकर चलता हूँ आपको। किसान भाइयों, किसान एक ऐसा प्राणी बनाया है, मैं प्राणी कहूँगा, कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि उसके खेत में चाहे 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की फसल क्यों ना खड़ी हो, भाई 1 लाख की खड़ी हो या 1 करोड़ की खड़ी हो, कभी भी वो उसका ताला नहीं लगाता। यह क्षमता किसान के अंदर ही होती है दोस्तों। आप ये देखिए, ये लगभग 30-40 लाख रुपए की फसल खड़ी है तैयार बिल्कुल, और ये G48 वैरायटी का पौधा है। ये कुछ पहला है, ये बिल्कुल अबर जा रहा है, ये तो पहला है कुछ ज़्यादा, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। किसान भाइयों, हाँ जी आ जाइए आप इधर, ये देखिए 24 इंची से भी ज़्यादा ऊपर हो रहा है पेड़, इसकी जो मतलब ग्रोथ है 24 इंची हो रही है, और सारी नर्सरी में मतलब 4th साल में पेड़ तैयार खड़ा है। देखिए इस किसान भाई ने लगभग जो है ये 15x15 फिट पर लगा रखा है पॉपुलर, आप यहीं पर रहेंगे, 15x15 फिट पर लगा रखा है देखिए, और वास्तव में जो है लगाना भी चाहिए 15x15 फुट पर ही। और 3 साल तक इसमें आप 3 साल तक क्या, देखिए कितना अच्छा मतलब मोटाई लिए है, और ये अंडर हो रहा है बढ़िया, मतलब बिक्री के लिए तैयार खड़ा है बिल्कुल। 2 साल तक आप इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स तो DAP सुपर सल्फर ये सब चीज़ें इसमें दो साल के बाद आपको कोई भी किसी प्रकार की इसमें न्यूट्रिएंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो फसल के अंदर से लेता रहेगा। नर्सरी लगाओ आप खाली खेत में, और खाली खेत में लगा के उसके बाद में उसमें जो है आप गन्ने की फसल लगाओ, 2 साल तक गन्ना रखो राजदेव जी, और 2 साल के बाद में उसमें जो है आप गेहूँ लगाओ, एक्सीलेंट फसल होगी गेहूँ की भी। देखिए कितनी एक्सीलेंट फसल है, दिखाइए इन्हें राजदेव जी किसान भाइयों को, और जिस पेड़ के ऊपर भी देखो छटाई की भी आवश्यकता नहीं है इसकी, और कहीं मतलब जो है ये बिक्री में भी अच्छा रहेगा क्योंकि छटाई इसकी नहीं हुई है, हाइट भी कितनी अच्छी होगी इसका, इस वैरायटी का। हाँ जी इस वैरायटी का एक यही फर्क है कि इसकी हाइट भी देखो कितनी अच्छी है, हाँ तो इसका मतलब मोल भाव भी अच्छा होता है, इसका मतलब मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यही मतलब आप जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद इसमें शुरुआती दिनों में दे सकते हैं 1 साल में, और उसमें मतलब आप जो है ये सब चीज़ें डाई सुपर सल्फर और कार्बन मैन को जेब जिब्रेलिक एसिड हुमिक एसिड मिला के इसमें दे सकते हैं आप, तो इससे आपका पौधा जो है एक्सीलेंट ग्रोथ करेगा, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने की उसके अंदर। 3 साल में पौधा तैयार होने की गारंटी मैं लेता हूँ, 3 साल में पौधा आपका जो है आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। और अगर कोई किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट्स करके मतलब जो है मेरे चैनल पर बता सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत नमस्ते, मिलता रहूँगा आपको अगली वीडियो में भी, मैं आपको लेकर अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा पॉपुलर के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद किसान भाई। और एक बात और कि आप अपने मित्रों में भी इसे भेजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, जो है आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अगर हमारे किसान भाइयों को या हमारे मित्रों को हमारे सज्जनों को अच्छी लगी हो वीडियो। अगर कुछ और दूसरी चीज़ें हो आपके मन में, कोई पॉपुलर को लेकर शंका हो, वैरायटी को लेकर शंका हो, कहाँ से खरीदें ये लेकर शंका हो, न्यूट्रिएंट्स को लेकर शंका हो, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।